तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे एल्केन का प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनाइल्स। कार्बोनाइल्स में हम लोग जैसे जानते हैं कि कार्बोनाइल दो तरह के होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड और एक होता है कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड क्या होता है, जहां पे कार्बोनाइल ग्रुप क्या रहे, आपका टर्मिनल पोजिशन पे रहे, मतलब कि एक साइड में एल्काइल और दूसरे साइड में हाइड्रोजन कंटेन करे। और कीटोन क्या होता है, जहां पे कार्बोनाइल ग्रुप नॉन टर्मिनल पोजीशन पे हो, मतलब कि दोनों ही साइड में वो क्या कर रहा हो, अल्काइल ग्रुप को कंटेन कर रहा हो। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन से हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे। चार मेथड्स होते हैं किसी भी कार्बोनाइल को, आइदर एल्डिहाइड और कीटोन चाहे जो भी हो, उसको एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम लोग देखें यहाँ पे कि मेरे पास एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, अगर इसको हमको कन्वर्ट करना है करेस्पॉन्डिंग एल्केन में, किस में कन्वर्ट करना है, करेस्पॉन्डिंग एल्केन में, तो मेरे पास चार रिएक्शंस हैं, चार ऐसे रिएक्शंस हैं जिन रिएक्शन से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, पहला जो रिएक्शन होता है वो होता है, हम लोग बोले हैं इसको कि ZnHg प्लस HCl, अगर रिएजेंट हम लोग लें जिसको हम लोग क्लिमेंसेंस रिडक्शन कहते हैं, क्लिमेंसन रिडक्शन के थ्रू हम लोग किसी भी कार्बोनाइल को, आइदर एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसको हम लोग उसके करिस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी हम लोग देखेंगे भी। दूसरा हम लोगों का जो रिएक्शन होता है वो होता है NH2NH2OH-, दूसरा जो रिएजेंट हम लोग ले लेते हैं NH2NH2OH- को हम लोग लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग वुल्फ किस्नर रिडक्शन के नाम से जानते हैं, वुल्फ किस्नर रिडक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, वुल्फ किस्नर्स रिडक्शन के नाम से जानते हैं, है ना। तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, तीसरा हम लोग यहाँ पे रेड पी और एच आई ले सकते हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस एच आई लेकर के हम लोग थोड़ा सा अगर हीट कर दें तो ये रिडक्शन कर सकता है कार्बोनाइल्स को एल्केन में। और फोर्थ हम लोग ले सकते हैं ट्राइमिथाइलिन मरकेप्टेन कंपाउंड को। ठीक है, ट्राइमिथाइलिन मरकेप्टेन कंपाउंड कैसा होता है, SH CH2 thrice SH। ठीक है, इसको हम लोग BF3 के प्रेजेंस में लेते हैं और फॉलोड बाय हम लोग रिएक्शन में क्या करवा देते हैं, H2+PD या NI डाल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर ट्राइमिथाइलिन मरकेप्टेन को ले लें, ट्राइमिथाइलिन मरकेप्टेन को अगर हम लोग रिएक्शन में ले लें फॉलोड बाई H2+PD या NI, तो जो भी एल्केन हो, जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड होगा वो करेस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, आप इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक कोई एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है, जब हम लोग ये रिड्यूसिंग एजेंट्स को लेते हैं तो यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, दो नेसेंट हाइड्रोजन्स हम लोग बोल सकते हैं कि दो नेसेंट हाइड्रोजन्स आते हैं और ऑक्सीजन को लेकर चले जाते हैं, और जब ऑक्सीजन चला जाता है कार्बोनाइल से तो कार्बोनाइल के ये दोनों ही बॉन्ड क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और उस दोनों बॉन्ड पे ये दो हाइड्रोजन आकर के लग जाते हैं। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट कैसा बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है C, और इस पे दो हाइड्रोजन आकर के लग गया तो CH2 हो गया, मिथाइलिन ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया, प्लस H2 वो बाहर निकल गया। तो यहाँ पे जितने भी हैं वो सभी क्या करेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे, और नेसेंट हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करके इस मैकेनिज्म को परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा कार्बोनाइल के जगह पे मिथाइलिन ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे RCH3 का फॉर्मेशन हो गया, है ना, ये जो है ये क्या बनाएगा, RCH3 बना देगा, और ये जो है ये क्या बना देगा, ये बना देगा आपका RCH2R। ठीक है, क्या बन जाएगा भाई, RCH2R, है ना, ये कंपाउंड ए है और ये कंपाउंड बी है, तो कंपाउंड ए आपका ये बनाएगा और कंपाउंड बी आपका ये बनाएगा। मतलब क्या है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप मतलब CO ग्रुप गेट्स कन्वर्टेड टू CH2 ग्रुप, आपको बस यही ध्यान देना है। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पे CO ग्रुप है, ये CO ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो चाहे कीटोन में हो या फिर वो एल्डिहाइड में हो, क्लियर है मेरी बात। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी हैं वो सारे क्या करेंगे, सिमिलर प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, है ना। चलिए बहुत अच्छा, तो ये हो गया आपका कार्बोनाइल से प्रिपरेशन, है ना। अगला प्रिपरेशन हम लोग देखें फ्रॉम एसिड,
एसिड से अगर हम लोग प्रिपरेशन करने को जाएं, एसिड से अगर प्रिपरेशन हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, दो रिएक्शंस होते हैं। पहला रिएक्शन होता है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। और हम लोग अगर हो सके तो एक और रिएक्शन यहां पे बात कर देंगे, एक और रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं, रेड पी प्लस एच आई, रेड पी प्लस एच आई रिडक्शन करवा सकते हैं रेड पी और एच आई से, तो भी आपका फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, एल्केन का, है ना, करस्पॉन्डिंग एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला इसमें देखें, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लोग देखें तो इसका जो रिएजेंट होता है, ये तो आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, है ना, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लास 10th में आप इस चीज को पढ़े होंगे। इसकी जो रिएजेंट होती है वो क्या होती है, इसकी रिएजेंट क्या होती है, सोडा लाइम होती है। हम लोग क्या बोलते हैं, NaOH+CaO, सोडा लाइम। ये एक तरह का डिसेंडिंग सीरीज रिएक्शन होता है, डिसेंडिंग सीरीज रिएक्शन होता है। ठीक है, वुड्स को हम लोग पढ़े थे, वुड्स फ्रैंकलैंड और कोडी हाउस, एसेंडिंग सीरीज रिएक्शन होता है और ये डिसेंडिंग सीरीज रिएक्शन होता है। तो आप समझ गए डिसेंडिंग सीरीज रिएक्शन मतलब क्या होगा, जहां पे जो प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन में, जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में कार्बन का नंबर जो रिएजेंट होगा उससे कम होगा। ठीक है, तो सबस्ट्रेट से कार्बन का नंबर कम होगा कहां पे, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में। क्लियर है मेरी बात? चलिए तो रिएक्शन को देखते हैं। कोई भी एक एसिड आप ले लो, कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड आप ले लो, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन आप NaOH के साथ में करवा दो तो क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बन जाएगा। इस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को आप रिएक्ट करवा दीजिए NaOH और CaO के साथ में, NaOH और CaO के साथ में। तो जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, RH+Na2CO3 आपका ये प्रोडक्ट होगा। तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, RH है ना। अब देखिए यहाँ पे जितना भी कार्बन का आपका होगा प्रोडक्ट, जितना भी कार्बन का आपका यहाँ पे सबस्ट्रेट है, उससे एक कार्बन कम हो गया। एक कार्बन कहाँ चला गया, एक कार्बन देखो यहाँ पे आपका कार्बोनेट बनने चला गया, कार्बोनेट में चला गया। तो एक कार्बन आपका कार्बोनेट में चला गया, है ना, तो कार्बोनेट में चला गया तो आपका क्या हो गया भाई, डिसेंडिंग सीरीज हो गया। अगर हम लोग इस रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देखें, इस रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देखें तो हम लोग क्या देखेंगे, CH3C डबल बॉन्ड O, O Na। इसका रिएक्शन अगर हम सोडा लाइम के साथ करवा दें, NaOH और CaO के साथ करवा दें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये पूरा पार्ट निकल जाएगा NaHCO3 बन के, Na2CO3 बन के, और ये HCH3 के साथ मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH4+Na2CO3। तो अब आप थोड़ा प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए और सबस्ट्रेट पे ध्यान दीजिए। सबस्ट्रेट मेरा कितने कार्बन का था, दो कार्बन का, प्रोडक्ट मेरा कितने कार्बन का है, एक कार्बन का, तो एक कार्बन कम हो जाता है, डिसेंडिंग सीरीज का रिएक्शन होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से आप क्या कर दो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आप हटा दिया करो, कार्बोक्सिलिक का जो कार्बन होता है वो कार्बन चला जाता है। क्लियर है मेरी बात? तो ये है डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हम लोग दूसरा रिएक्शन यहां पे देखें, दूसरा प्रिपरेशन है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको क्या करना है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ये प्रिपरेशन और मैकेनिज्म प्रॉपर्टीज खत्म होने के बाद हम लोग एक क्लास क्वेश्चंस के लिए करेंगे, वहां पे हम आपको बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन दिखाएंगे, वहां पे आपको बताएंगे कि कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों और कैसे इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए आपको क्या करना है, एक एसिड का सॉल्ट बना लेना है। तो हम लोग चलिए भाई एसिटिक एसिड का हम लोग सॉल्ट बना दिए, एसिटिक एसिड का हम लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटेट कर दिए। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटेट का जब इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जाएगा, जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जाएगा तो ये ब्रेक कर जाएगा कैसे, केटायन और एनायन में, है ना, तो केटायन और एनायन में ब्रेक कर गया। अब क्या होगा, एट एनोड क्या आएगा, एनायन आएगा, एट एनोड एनायन आ गया, एनायन क्या है आपका, CH3 C डबल बॉन्ड O O-।
है ना, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हो ओ माइनस, ये है आपका एनायन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जो बात है वो ये है कि बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ देखो ये एक ऐसा बॉन्ड था ओ और एन ए का, और ये बॉन्ड ब्रेक कर गया टू ऑड ऑक्सीजन, तो टू ऑड ऑक्सीजन ब्रेक कर गया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन वाला तो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये वाला, ये देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं इस कलर से दे देते हैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को, तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास है, बॉन्ड ब्रेक जब हुआ तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गया, मतलब कि जो ब्लैक कलर का इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन भी किसके पास आ गया, ऑक्सीजन के पास आ गया, तो ऑक्सीजन के पास क्या हो गया कि ऑक्सीजन के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास है ही, वो देखो सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन लेकर के आ गया, और सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन लेकर के आ गया, एक इलेक्ट्रॉन लेके आया तो एक नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर है, ठीक है, तो वहां पे हमको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि भाई इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, और यहाँ पे इसका ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है मेरी बात को ध्यान से समझना, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास लिया, और ये ऊपर जो आपको ब्लैक कलर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन है सोडियम का इलेक्ट्रॉन, और बाकी दो लोन पेयर तो ऑक्सीजन के पास अपना है ही, नॉन बॉन्डिंग दो इलेक्ट्रॉन, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास नॉन बॉन्डिंग है ही, तो वो इलेक्ट्रॉन वहां पे है, ठीक है। अब क्या होता है एट एनोड, क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, माइनस हो गया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। हम लोग ऐसा कर देते हैं कि एनोड के ऊपर में दो दो मॉलिक्यूल्स आया, दो मॉलिक्यूल्स आया तो दो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया गया, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ मतलब कि ये वाली जो इलेक्ट्रॉन है ये देखो हम हाईलाइट कर दिए, वो वाली जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन चली गई, जो इलेक्ट्रॉन कहीं और से आया था सोडियम का इलेक्ट्रॉन लाया गया था वो इलेक्ट्रॉन चला गया, तो उस इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद क्या बना उस पे ध्यान दो, उस इलेक्ट्रॉन को जाने के बाद क्या रहा, ऑक्सीजन के ऊपर ये वाली इलेक्ट्रॉन रह गई, राइट, अपनी खुद की इलेक्ट्रॉन, वो तो इलेक्ट्रॉन उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहेगा ही रहेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन रह गया, तो देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, क्या फॉर्मेशन हो गया, एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया है ना, एक फ्री इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कार्बन के पास डालेगा, इस कार्बोनाइल वाला जो कार्बन है ये वाला इसके पास डालेगा, ये क्या करेगा अपने इधर से एक इलेक्ट्रॉन को उठा करके ऑक्सीजन के पास डाल देगा, और इस बॉन्ड को होमोलाइसिस में डाल देगा, ये बॉन्ड होमोलिटिकली फिजन में चला जाएगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन उठ करके कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, तो जब ये बॉन्ड होमोलिटिकल फिजन में चला गया तो आप देखो क्या बना, यहाँ पे सी एच थ्री के पास अब फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, तो सी एच थ्री का रेडिकल बन गया, और प्लस इस साइड में देखो सीओ टू निकल गया, तो इस साइड में सीओ टू निकल गया, और यहाँ पे क्या हो गया कार्बन का फ्री रेडिकल बना, क्या बना भाई कार्बन का फ्री रेडिकल बना, कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, क्लियर है मेरी बात। अब ध्यान दीजिएगा पिछले क्लास में वुड्स रिएक्शन में आपको हम बताए थे कि कभी भी जब कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल आ जाए तो हाइपर कंजुगेशन होने की चांसेस होती है, और वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप का रिएक्शन होता है, तो यहाँ तो एक कार्बन का है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा, लेकिन अगर यही अल्काइल दो कार्बन का होता तो डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप का रिएक्शन हो सकता था, इस बात पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये दो रेडिकल्स बने हैं, दो रेडिकल्स बने हैं सी एच थ्री का, दो रेडिकल बना है, ये दोनों ही रेडिकल अपने अपने फ्री इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे और एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, तो अपने अपने फ्री इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके क्या कर लिए, शेयर करके यहाँ पे, और एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, तो देखिए एक एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे करके इसको आराम से देख लेना, दो तीन बार प्रैक्टिस करना, ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा, तो एनोड के ऊपर में हम लोग का प्रोडक्ट बन के रेडी है, ठीक है। जब एनोड के ऊपर में हम लोग का प्रोडक्ट बन गया तो कैथोड को के ऊपर में आपका बाई प्रोडक्ट बनेगा, आपको देखना है तो देख लो, नहीं देखना है तो रहने दो, बाई प्रोडक्ट से हम लोग को ऑर्गेनिक में ज्यादा कुछ लेना देना होता भी नहीं है, तो हम कैथोड छोड़ देते हैं, है ना। चलिए फिर बात करते हैं हम लोग, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस तो हो गया, ठीक है, अगला प्रिपरेशन हम लोग देख रहे हैं रेडपी और एचआई से, ठीक है, एसिड को हम लोग रिड्यूस करके और क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं रेडपी और एचआई से, ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा प्रिपरेशन, तीसरा प्रिपरेशन देखते हैं आपका रेडपी प्लस एचआई, रेड फॉस्फोरस और एचआई, है ना, बाय रिडक्शन, बाय यूजिंग दिस, है ना, इसका यूज करके, तो कोई भी आप एक एसिड ले लो, लाइक आप आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ले लिए,
इस पे आप क्या डाल दीजिए, रेड प्योर एचआई डाल दीजिए, रेड प्योर एचआई डाल के थोड़ा सा हीट कर दीजिए। ये क्या करेगा, सिंपली उसको रिड्यूस कर देगा RCH3, मतलब कि ये जो ग्रुप है ये ग्रुप आपका CH3 में रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब आप देख लो सेम कार्बन का बनता है, सेम कार्बन का आपका ये एल्केन बना एसिड से, तो रेड प्योर एचआई से ये रिडक्शन होता है। ठीक है, चलिए तो यहां तक आपका एसिड से कंप्लीट हो गया है ना, एसिड से कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग देखेंगे ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से फॉर्मेशन कैसा होता है ना। तो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट क्या होता है, एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करें फ्रॉम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट है ना, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से अगर प्रिपरेशन देखना है तो आपको पहले जानना होगा कि ग्रिग्नर्ड रिएजेंट होता कैसा है। तो ये है ग्रिग्नर्ड रिएजेंट, RMGX, ये एक तरह का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, अब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है भाई, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है तो उस कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कंसीडर करते हैं जिस कंपाउंड में मेटल डायरेक्टली अटैच हो जाए किसी भी अल्काइल ग्रुप से, मेटल डायरेक्टली अटैच रहे किसी भी अल्काइल ग्रुप से, तो उस कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है एक मेटल जो कि डायरेक्टली अटैच है इस R से। ठीक है, अब वो डायरेक्टली अटैच होना चाहिए अल्काइल से ही। जैसे ऊपर देखो यहाँ पे आप देखो कि ये भी एक मेटल है, ये Na भी एक मेटल था लेकिन वो ऑक्सीजन से अटैच था, वो किसी अल्काइल से अटैच नहीं था, तो हम लोग उसको ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड नहीं कह सकते। ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड के लिए क्या होना जरूरी है, ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड के लिए अल्काइल के साथ डायरेक्ट अटैच होना चाहिए मेटल, तभी ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है। किसी भी ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड में, वो चाहे ग्रिग्नर्ड रिएजेंट हो या फिर वो चाहे अल्काइल लिथियम हो है ना, कोई भी ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड रहे, अगर हम लोग उस कंपाउंड का रिएक्शन करवा देते हैं किसी भी एक ऐसे रिएजेंट के साथ में जिस जो रिएजेंट एसिडिक नेचर का है, एसिडिक नेचर का है मतलब कि वो H+ रिलीज करने वाला है। ठीक है, एसिडिक नेचर का है मतलब वो H+ रिलीज करने वाला है, तो अगर वो H+ रिलीज करने वाला है, जैसे कि हम वाटर ले लिए, वाटर क्या कर जाएगा, एसिडिक मीडियम में हम वाटर ले लेते हैं, तो H+ को रिलीज कर देगा। अब यहां पर देखो बॉन्ड कैसे ब्रेक कर जाएगा, यहां पे बॉन्ड ब्रेक करेगा आपका अल्काइल माइनस चार्ज लेगा और मैग्नीशियम मेटल है तो प्लस चार्ज लेगा। यहाँ पे भी देखो ये क्या हो जाएगा, अल्काइल माइनस चार्ज लेगा और ये लिथियम मेटल है तो प्लस चार्ज लेगा। अब ये पॉजिटिव वाला जो आपका हाइड्रोजन है वो सीधा अटैक करेगा कहाँ पे, अल्काइल पे है ना, तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, आपका प्रोडक्ट RH बन जाएगा। तो देखो एल्केन आपका प्रोडक्ट बन गया है ना, एल्केन आपका प्रोडक्ट हो गया। वैसे ही अगर यहाँ पे भी वही चीज हो जाए कि ROH एसिडिक मीडियम में इसके ऊपर अटैक करवा दिया जाए, तो ये प्लस और ये माइनस में ब्रेक कर देगा और ये सीधा किसके ऊपर अटैक करेगा, इस R के ऊपर अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, RH, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो किसी भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का रिएक्शन अगर हम लोग करवा देते हैं एक ऐसे कंपाउंड के साथ में, एक ऐसे रिएजेंट के साथ में जो रिएजेंट H+ रिलीज करने वाला हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अल्कोहल ले सकते थे, HOH, H+ और RO- निकल जाता तो भी आपका रिएक्शन हो जाता है ना, एसिटिलीन ले लेते वो भी एसिडिक नेचर का होता है, H+ रिलीज कर देता तो वहां से भी रिएक्शन हो जाता है ना। तो कोई भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से हम लोग एल्केन का, करस्पॉन्डिंग एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं अगर उसका हम रिएक्शन किसी भी एक ऐसे सबस्ट्रेट के साथ में किसी भी एक ऐसे रिएजेंट के साथ में करवा दे जिस रिएजेंट के पास क्या हो, एक H+ रिलीज करने की टेंडेंसी हो, मतलब एसिडिक नेचर का हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्केन का प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। अब हम लोग देखेंगे एल्केन का प्रिपरेशन फ्रॉम मेटल कार्बाइड्स, कुछ एक मेटल कार्बाइड्स हैं जो एल्केन का प्रिपरेशन करते हैं, तो हम लोग देख लें फ्रॉम मेटल कार्बाइड्स, मिथेन का फॉर्मेशन होता है बेसिकली यहाँ पे फ्रॉम मेटल कार्बाइड्स। ठीक है, तो दो मेटल कार्बाइड्स ऐसे होते हैं जो एल्केन, जो मिथेन का प्रिपरेशन कर देते हैं। पहला उसमें होता है आप बोल सकते हो Al4C3, एल्युमिनियम का कार्बाइड और बेरिलियम का कार्बाइड। तो एल्युमिनियम का कार्बाइड Al4C3 में अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवा दें, इसमें अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवा दें है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Al(OH)₃ + CH₄। ठीक है, ये एक बन गया, देखो यहाँ पे CH₄ का फॉर्मेशन हो गया। और बेरिलियम का कार्बाइड के साथ में भी हम लोग सेम रिएक्शन करवा देते हैं,
बेरिलियम के कार्बाइड को भी अगर हाइड्रोलाइसिस में हम डाल देते हैं तो वो भी क्या करता है, वो भी करता है बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड बना देता है और साथ में CH4 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ एक मेटल कार्बाइड्स एल्यूमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड क्या करता है, मिथेन का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रिपरेशन का पार्ट एल्केन का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है ना। अब अगला जो हम लोग का वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन को लेकर के बात करेंगे, उसको हम लोग एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन को, और फिर हम लोग IITs के सारे क्वेश्चंस, नीट के सारे क्वेश्चंस, मेंस के जितने भी अभी तक क्वेश्चंस आए हुए हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग के अगले वीडियो में, मतलब कि प्रॉपर्टीज के बाद वाले वीडियो में, है ना। चलिए तब तक के लिए आप लोग गुड बाय, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।